डोसास विद लेफ्ट ओवर राइस। सो हुआ ये था कि मेरी मम्मी ने पुलाव बनाया और बहुत ज्यादा बना लिया, मतलब डबल बना लिया भूल से। आई कन्वर्टेड द पुलाव इनटू अ डोसा एंड यू विल नेवर बी एबल टू से दैट दिस डोसा इज मेड विद सम लेफ्ट ओवर पुलाव। लेट्स बिगिन। यहाँ मेरे पास 2 कप ऑफ लेफ्ट ओवर राइस है। दिस इज पुलाव दैट वी मेड एक्स्ट्रा एंड वी डोंट वांट टू ईट इट एज पुलाव एनीमोर। तो 2 कप ऑफ कुक्ड राइस आपको चाहिए। पुलाव है मेरे पास, यू कैन यूज ऑफ कोर्स नॉर्मल कुक्ड राइस। यहाँ मेरे पास 2 कप सूजी है यानी कि रवा एंड हियर आई हैव 1 कप ऑफ दही। तो ये सूजी जाएगा चावल के अंदर, दही, इसमें हम डालेंगे करीब 2 कप पानी एंड सॉल्ट टू टेस्ट। ऑफ कोर्स आपके चावल में नमक है तो आप उस हिसाब से ही नमक यूज करेंगे। एंड नाउ वी हैव टू गिव ऑल ऑफ दिस अ मिक्स। सो वंस वी हैव मिक्स्ड एवरीथिंग टुगेदर, इसे ढक कर आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। ऑलराइट, सो आफ्टर हाफ एन आवर दिस इज व्हाट द मिक्सचर लुक्स लाइक। और अब हम इसे एकदम एक फाइन पेस्ट में पीस लेंगे अपने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। Till it becomes a nice and fine paste. देखिए अब जो हमारे बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। प्लीज बहुत ज्यादा पतला ऐसे मत करिए। और अब इसे 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। टू मेक आवर डोसास वी टेक सम बैटर, स्प्रेड इट ऑन अ हॉट तवा, कुक इट विद सम ऑयल टिल इट्स नाइस एंड गोल्डन ब्राउन। ऑल्सो गोना स्प्रिंकल सम गार्लिक पाउडर, दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप रेड चिली पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। And you can see that the dosa has started to cook. हम इस डोसे को आराम से निकाल लेंगे, perfectly cooked. Leftover rice के साथ हमने इस डोसे को बनाया, beautiful, crispy, perfect dosas. So guys, like you saw, super, super, super simple. Can just be any regular rice, even if it's not a pulao, it's fine. Just plain boiled rice. Make this dosa, you're gonna love it, you're gonna fall in love with how simple and instant this dosa is. So you guys try this recipe and I'll be back with another great recipe. Till then, stay safe.